टू माय ब्लॉग अगेन दोबारा। तो यार आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ केदारनाथ ट्रैकिंग करने। तो ट्रैकिंग के लिए हमने कुछ बहुत सारा सामान इकट्ठा करा, जैसे कि मान लो ये लैंप लाइट, क्योंकि वहां जाकर हम कैंपिंग करेंगे। और भाई करंट मार रहे, तो हम कैंपिंग करेंगे तो रात के अंधेरे में इसको ऐसे जलाएंगे, तो है ना अमेजिंग। ये है हमारा नेस्ले की मैगी का पैकेट, इसमें 8 पैक आते हैं, दो तीन लोगों के लिए हो जाएगा आसानी से, क्योंकि एक बार खाएंगे तो क्योंकि जब हम जाएंगे माउंटेन में तो भूख बहुत ज्यादा लगेगी। वहाँ मैगी मिलती है 120 रुपए की, तो हमने मैगी का इंतजाम कर रखा है। मैगी है, दूसरी मैगी है, तो ये है इम्यूनिटी बूस्टर डाबर का है। सो पी के इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी हमारे ऊपर, हम एक पार क्या 3-4 पार चढ़ जाएंगे, तो ये भी मस्त है काफी। और ये है लैंप लाइट, अगर हम टेंट लगाएंगे तो टेंट के ऊपर हम ये वाली लाइट लगाएंगे। ये हैंड लाइट भी है, लटकाने वाले भी हो सकती है, उसको नीचे भी कर सकते हो। और ये सोलर पावर से चार्ज हो सकती है, बहुत महंगी भी है, ठीक है। तो हम ले जा रहे हैं खीरे सलाद बनाने के लिए, जब हम जंगलों में करेंगे बॉनफायर वगैरह करेंगे तो साथ कोई सब्जी वगैरह बनाएंगे, तो ये खीरे के साथ सलाद काटेंगे इसको। और इसमें है हमारा रेडी टू ईट का सामान, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अपने टिश्यू पेपर अच्छा से, क्योंकि अगर हम खाना ना खाते हैं हाथ बहुत मेरा मारेगा। ये एक और मैगी का पैकेट, ये मैगी बहुत ज्यादा मसालेदार होती है, एकदम मस्त क्रंची एकदम बढ़िया। ये कोई नैपकिन से, ये है वीवा की सॉस, इतनी अमेजिंग सॉस होती है ना, एक बार खा के देखना आप, नाम बदल देना तो स्वाद ना आए। तो हाँ, ये अपने मेरे पर बॉर्डर है जिसका नाम मुझे भूल चुका है, हिप प्रो। तो ये है रेडीमेड ई छोले, रेडीमेड बस इसको गर्म करने के दे रहे, बिल्कुल स्वाद एकदम घर जैसे ही, बहुत ये भी बहुत मस्त है। तो एक छोले का हो गया, और इसका है ये है दोस्तों शाही पनीर, वाओ एक अमेजिंग है। और क्या है, ये मटर पनीर जो घर में बनता है अपने गांव पनीर। और ये है राजमा, तो इन सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको अमेजोन से खरीदते हो तो कुछ कमीशन मुझे ही मिल जाएगा, तो इसमें तुम्हारा कुछ घाटा नहीं है ना मेरा कोई फायदा, थोड़ा सा फायदा है। और चीजें जैसे हम घूम घूम के दिखा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने लिया है एक बैग, तो ये बैग है, इस बैग को हम खोलते हैं। तो पहले तो हमने सोचा था कि बुटेन गैस ले, लेकिन जो बुटेन गैस है ना वो 250 ml में ही आती थी, तो वो एक दिन में कम से कम 2 किलो हमारी बुटेन गैस लग जाती, तो उसका कोई फायदा नहीं था। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये अपना मग्गा, ये अपना इसमें चाय बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, कोई भी खाना बना सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हो, खासकर तो ट्रैकिंग करने, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अच्छा खासा है, इसमें मैगी बनाओ, खाना गर्म करो, चाय बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब ऐसी ही। तो ये भी हो गया, ये खाने को रखने के लिए। और ये लिया है हमने आज नया लिया सिलेंडर, ये 2 किलो वाला सिलेंडर है, इसमें हमने 2 किलो गैस भरवाई, कम से कम 1 हफ्ते तक काम चलाएगा हमारा ये, तो काफी अच्छा है यार। तो और ये है इसका चूल्हा, और हमने ये लिया है अलग से कोयले पर, गैस वगैरह खत्म हो जाती है, तो कोयले के माध्यम से हम अपनी आग को चला सकते हैं और हमें खाना पका सकते हैं। तो फिर से ये टिश्यू पेपर, और ये है प्याज, प्याज की मजा ही नहीं है, तो प्याज भी है, मिर्ची, आलू 2 प्लेट, पकड़, ये कांटे वाली चम्मच और ये नॉर्मल वाली चम्मच, एक लाइटर कहाँ माचिस जोड़ेंगे भाई, सर माचिस भी है, ये हमारे पास माचिस भी है, वाओ मैच बॉक्स, ये है प्लास्टिक की ग्लास, अगर डिस्पोजेबल ग्लास लेंगे या पियो फेंको तो हमारी प्रकृति गंदी होगी, तो अपनी प्रकृति को बचाने के लिए हमने क्या लिया है, ग्लास, प्लास्टिक की ग्लास। ये है क्या, चिमचा, दाल बनाओ, चाय बनाओ, कुछ भी करो। ये है अपना चॉप काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए, कुछ भी। वैसे तो हम वाइल्डनेस एक्सपीरियंस को गेन करेंगे, तो कोई नहीं, और चलो आगे, और भी हमारे साथ बहुत सारा सामान, जैसे कि हम इधर आए हैं, ये हमारी है योगा मैट, योगा मैट, ऐसे हमने 5 योगा मैट लिए, दूसरी ये रही, 2-3 पीछे पड़ी, देखो 2-3 पीछे पड़ी,
इसमें हमारा है सारा ग्रोसरीज का सामान, दाल चावल आटा चीनी इन सब है इसके अंदर, राजमा वाजमा दिखाता हूँ। ये था अपना ग्रोसरीज में बिस्किट, चाय के साथ उसमें बिस्किट खाने का मन गया, ये भी अच्छा है। ये है सूखी लाल मिर्च, क्योंकि जब हम कढ़ी वगैरह कुछ बनाएंगे तो ये सूखी जो लाल मिर्च है ना उसमें अलग से टेस्ट पैदा करेगी जो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो ये भी अच्छी बात है। और ये है कॉफ़ी का पाउच, ये कम से कम 65-66 कॉफीज हैं तो हम कॉफी ही पीने वाले हैं ज्यादातर। और ऐसे नॉर सूप के पैकेट है बहुत सारे, कम से कम 16-17 पैकेट है नॉर सूप के, इसमें भी मजा आ जाएगा। और यह है MDH का गरम मसाला, तो गरम मसाला भी लेके जाने में इसकी दिक्कत नहीं है। और हल्दी पाउडर, एवरेस्ट की हल्दी खाने में पीला पर लाने के लिए है हल्दी का पाउडर, ठीक है। और यह है राजधानी बेसन, कढ़ी बनाने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए और चीले वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और शायद डोसा भी बन जाए, इसमें भरोसा नहीं। यह है अपना मिल्क पाउडर, क्योंकि दूध वहां मिले ना मिले, ठीक है ना, इसको भरोसा नहीं। तो अपने ये मिल्क पाउडर, अमूल का मिल्क पाउडर, तो ये अमूल का जो मिल्क पाउडर है काफी ज्यादा अच्छा होता है, टेस्ट इसका बहुत मस्त होता है, तो ये भी सही है। सब जरूरत का सामान है। यह है इंडिया गेट बासमती राइस, 1 किलो वाला पैकेट, ऐसे 3 पैकेट है, 3 किलो चावल भी है, तो चावल भी हम खाने वाले हैं अपने ट्रिप पे। और एक ये है टॉप्स की मिक्स वेज अचार, तो खाने में खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए हम अचार का प्रयोग करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है। और भाई क्या क्या है, ये है आधे लीटर तेल की बोतल, हम तेल ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम रिफाइंड यूज करेंगे। ये कपड़ा, और ये है एवरेस्ट की कुटी लाल मिर्ची, बहुत ज्यादा तीखी होती है, हल्की से डालनी पड़ती है, बहुत ज्यादा तीखी होती है, तो ये भी सही है। यह है पंसारी, पंसारी खन्ना बासमती राइस, तो ये भी काफी अच्छी वैरायटीज में है, ये भी इसके 2 पैकेट है हमारे पास। शुगर, चीनी, कॉफी में चीनी डालने के लिए, तो चाय में चीनी डालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, या फिर चिकन के बनाने का। यह है अपना बूरा, जो लोग चीनी पसंद करते हैं चीनी खाएंगे, जो बूरा पसंद करते हैं बूरा खाएंगे, है तो दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। और यह है एक्सो का बर्तन धोने वाला साबुन, और उसमें चूना है एक्सो। यह है यूनिटी का बासमती टिम्बर राइस, ये भी काफी अच्छा है, ये एक ही पैकेट है, तो हमने चावल की अलग अलग वैरायटीज ली है। राइस ये है टक नमक, जैसे कि आप चाहते हो ना लोकल फॉर होकर, तो हमने कोई प्रक्रिया ज्यादातर अपना ही, जो हमने जितने भी जो ब्रांड यूज करे हैं ज्यादा इंडियन है ज्यादातर। तो यह है काले चने, रात के चने देखो सुबह खाओ, सही है। और क्या है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज, तो ये है ट्रैकिंग बैग, फुल्ली वाटरप्रूफ, डीकैथलॉन से मंगाया हमने सारा अच्छा सा, तो इसके अंदर हमने मंगाया 2 टैंक, क्योंकि हम 7 या 8 लोग जा रहे हैं, तो 8 लोगों के लिए 2 टैंक, ये 4% वाला टैंक है, तो कैंपिंग टैंक ये रहा, एक टैंक ये रहा कैंपिंग, और दूसरा टैंक ये रहा, 2 कैंपिंग टैंट, तो मजा आने वाला है फुल एकदम बढ़िया से। बैग तो पूरे लाल रहा है एकदम, देखो बैग की क्वालिटी फुल एकदम जगह।